गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th सब्जेक्ट SSC चैप्टर नंबर 5 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को हमने कल पढ़ा, जिसमें रिसोर्स की डेफिनेशंस और रिसोर्स के जो मेन जो टाइप्स थे, जैसे नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स को भी सब डिविजन्स किया था और जो ह्यूमन रिसोर्स थे उसका डिविजन किया था। नाउ वी डिस्कस जो आज का हमारा जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्स। इसको टाइप्स ऑफ रिसोर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के नाम से भी जाना जाता है कि रिसोर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं या उसके क्लासिफिकेशन हैं, उसका बात लिया जाए। तो मोस्टली यहां पर जो रिसोर्स है उसके फोर टाइप्स है इसको, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजन, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस एंड डेवलपमेंट। ये इसमें फोर टाइप्स हैं, या हम कह सकते हैं कि देर आर द फोर टाइप्स ऑफ द रिसोर्स। तो आइए वन बाय वन कर हम इसको डिस्कशन कर दें। नंबर फर्स्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन ऑरिजन में होती है उत्पत्ति, कि उत्पत्ति के आधार पर, ऑरिजन के आधार पर हम रिसोर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन को भी इसके भी दो सब टाइप्स हैं। नंबर वन है बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। अब देखते हैं कि बायोटिक रिसोर्स क्या है और अबायोटिक रिसोर्स क्या है। बायोटिक रिसोर्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैविक, यानी जैव, और अबायोटिक अजैव, मीन्स बायोटिक जो जैविक जो संसाधन है। बायोटिक रिसोर्स मीन्स द लिविंग थिंग्स, जो हमारे जो सजीव है, यानी कि जिसमें जान है, जो हमारी श्वसन क्रिया करते हैं, वे सभी हमारे बायोटिक रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बायोटिक रिसोर्स का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो सबसे पहले जैसे ह्यूमन बींग जो हम है, ह्यूमन बींग्स हैं हम सभी, जो एग्जाम्पल्स हैं वे बायोटिक रिसोर्स हैं, कि जितने भी जो भी जो श्वसन क्रिया करते हैं, जो श्वसन क्रिया करते हैं यानी जो जीवित हैं, वे क्या है, वे बायोटिक रिसोर्स के एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अलावा जैसे फ्लोरा एंड फ्यूना है, जितने भी हमारे जो प्लांटेशन है, नेचुरल जो हमारी वेजिटेशन है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, बायोटिक्स के। फ्लोरा एंड फ्यूना है, फिशिज है, जितने भी मछली है, लिविंग स्टॉक जो हमारे पशुपालन है, एक्सेट्रा, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, दीज आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ द बायोटिक रिसोर्स। सेकेंड, एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स जिसको हम कहते हैं एजैविक रिसोर्स, जो एबायोटिक रिसोर्स रिप्रेजेंटेड द नॉन लिविंग थिंग, जो लिविंग थिंग्स नहीं है, जो अजैव है, जो श्वसन क्रिया नहीं करते, इन्हें कह सकते हैं निर्जीव, जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉक्स है, चट्टान, मेटल्स है, ये मेरे पास में डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, ये स्टिक्स है,
These are the good example of the abiotic resource. ये abiotic resource के examples. Second type है on the basis of the adjusted resource. Adjusted resource होता है समापत्ति के आधार पर. समापत्ति के आधार पर रिसोर्स के कितने टाइप्स हैं, यानी कोई भी जो थिंग्स है निश्चित रूप से अगर ओरिजिन हुआ है उसका तो उसमें डेड भी होगा, ये तो प्रकृति का नियम है. तो समापत्ति के आधार पर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एडजस्टिबिलिटी समापत्ति के आधार पर तो इसके भी टू टाइप्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हिंदी में कहते हैं नवीनीकरण संसाधन, रिन्यूएबल हो सकता है यानी रिसाइकिल बिन जिसका चक्र चलता रहता है. रिन्यूएबल रिसोर्स जो हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स. जैसे वाटर को हमने एक बार यूज किया और यूज करने के बाद वाटर फ्लाइंग हो गया, बह गया, जैसे कोई रिवर्स में जा रहा है, रिवर्स या पॉन्ड, पॉन्ड से रिवर्स में गया या रिवर्स से पॉन्ड में गया, उसके बाद में रिवर्स अपना जो वाटर है ले आउट करते किसी वे में, उसके बाद में जब इकट्ठा हो जाता है वहां पर सागर या ओशन में इकट्ठा हो जाता है, उसके वेपोरेशन के कारण वाष्पीकरण के द्वारा वापस पानी उड़ जाता है और फिर वर्षा हो जाती है, फिर हमें पानी मिल जाता है. तो ये क्या है, ये रिसाइकिल बिन जो है ये चलता रहता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स. जैसे वाटर है हमारे वेंट्स है, सोर्सेज है, सोलर एनर्जी है, ये क्या है, ये सभी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स है. रिन्यूएबल रिसोर्स. नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिल्कुल रिन्यूएबल का अपोजिट है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अनवीकरण संसाधन जिसका नवीनीकरण नहीं किया जाता, अर्थात एक बार यूज करने के बाद में उसको यूज नहीं कर सकते. जैसे फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म जैसे फॉसिल फ्यूल है. अब फॉसिल फ्यूल कोई एक समय में तो बनता नहीं है, फॉसिल फ्यूल को जनरेट होने में, इसको बनने में एक लॉन्ग ज्योग्राफिकल पीरियड चाहिए, एक लंबा यानी कि एक समय चाहिए. जैसे कोई पेट्रोलियम से है, हमारे जैसे कॉल्स हैं, इनको बनने में लाखों करोड़ों यानी कि वर्ष लग जाते हैं, तो उससे हमारे बनते हैं और एक बार इसको यूज करने के बाद में यूज नहीं हो, दोबारा से यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, आपने उसमें एक लीटर पेट्रोल डाला और आप एंडिंग स्कूल से खैरतल गए, खैरतल से यानी खैरतल से हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट अलवर गए, खैरतल से अलवर गए और वापिस आए, आपका एक लीटर पेट्रोल जो है वे ईंधन के रूप में जल गया, अब आप उसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते. इट मीन्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम एक बार यूज करने के बाद में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप समापत्ति के आधार पर, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप. ऑनरशिप का मतलब है मालिक, ऑनर, मैं इसका ऑनर हूं, मालिक, यानी मालिकाना हक के आधार पर भी इसको डिवाइड किया गया है. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप को फोर टाइप्स में डिवाइड किया है. नंबर वन इंडिविजुअल रिसोर्स. इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स व्यक्तिगत संसाधन जिसके ऊपर किसी व्यक्ति का एक राइट है, उसको यूज कर सकता है, ये आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है. जैसे जैसे मान लीजिए जैसे प्लॉट्स है, हाउस है, कोई भी प्रॉपर्टी है, ये इंडिविजुअल है. मान लीजिए आपके पास आपका हाउस है, आपके पास आपकी बाइक है, आपके पास में आपका कोई प्लॉट है, लैंड है जिसका आपका रजिस्टर्ड है, आपके पास उसका हक है, तो इसका इंडिविजुअल रिसोर्स है.
नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स मैंने समुदाय जिसका यानी पूरे जो सोसाइटी है उस सोसाइटी का एक उस पर पोजिशन है, अधिकार है। तो कम्युनिटी रिसोर्स फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स है, टेम्पल्स है, पब्लिक पार्क है, जैसे मैंने किसी भी अर्बन या रूरल एरिया में मान लीजिए कोई टेम्पल्स है, कोई इन है, कोई पब्लिक पार्क है, वे पूरी कम्युनिटी का होता है, ये इंडिविजुअल नहीं कर सकते। जैसे रूरल एरिया में ग्रेजिंग ग्राउंड है जिसको हम पशु चारा की जो भूमि कहते हैं ना, इसी प्रकार से जैसे जो जहां पर घास संस्कार किया जाता है ना, ये ही है कम्युनिटी वाले चीज होता है कम्युनिटी रिसोर्स। नेक्स्ट है थर्ड है नेशनल रिसोर्स। थर्ड है आपका नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स जहां पर किसी एक कंट्री का अधिकार हो, जैसे इंडिया है, इंडिया और इंडिया के जो यूनियन जो टेरिटरीज है, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या इंडिया के जो पार्ट्स है, मैन लैंड्स है, तो उसके अंदर जो इंडिया का जो राइट्स है उसमें नेशनल रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल रोड, रेलवे लाइन्स, कैनाल्स। इट मीन्स द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है, जिस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट्स होता है वे नेशनल। फॉर एग्जाम्पल इसी हमारी इंडिया की बाउंड्री है, इस इंडिया की बाउंड्री से यहाँ पहले नॉर्मल जो बेस है, जो कोस्टल लाइन्स है, उस कोस्टल लाइन्स से 12 नॉटिकल मीन्स माने जो समुद्री जो मील जो है ना, समुद्री जो दूरी है उससे इतनी तक ये नेशनल रिसोर्स है जिसपे उस कंट्री का अपना पोजिशन होता है, उस पर रूल रेगुलेशन बना सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्स मीन्स होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इंटरनेशनल जो रिसोर्स है वे भी रिसोर्स होते हैं जिसके ऊपर जो हमारे यूएनओ है, यूनियन नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ, हम कह सकते हैं इसे इंटरनेशनल जो रिसोर्स है वे ओपन ओशन होते हैं, खुले समुद्र में क्षेत्र है। जैसे ये ओपन ओशन जो क्षेत्र है, अगर जैसे इंडिया का लेते हैं तो इसका जो कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल मील समुद्र से लगभग 200 नॉटिकल मील समुद्र से 200 जो समुद्री जो दूरी है उस पर जो जितने भी मिनरल्स मिलते हैं या जितने भी उसके जो अधिकार है वे इंटरनल रिसोर्स के अंदर आते हैं। जैसे अगर इंडिया का हम देखते हैं तो इंडिया के अंदर जो माइंस है, मैग्नीज जो नूडल्स है, जो हमारे जो इंडियन जो ओशन है, इंडियन ओशन जो हिंद महासागर में जो मैग्नीज नूडल्स है, मैग्नीज की जो ग्रंथियां के जो भंडार है, जो इंडिया उसको उसकी माइनिंग करता है, इट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनेशनल रिसोर्स। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब नंबर 4 है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आधार पर, सतत जो विकास है उस विकास के आधार पर भी इसको उसके टाइप में, इसको 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया। जैसे पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलपमेंट रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स। तो ये जो हमारे 4 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट से भी 4 सब टाइप्स हैं, 4 इसके डिविजन्स हैं। जैसे पोटेंशियल रिसोर्स हो गया, पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट रिसोर्स है,
स्टॉक रिसोर्स है और रिजर्व रिसोर्स है। अब इसको देखते हैं कौन से। सबसे पहले से डेवलपमेंट रिसोर्स देखिए। डेवलपमेंट की ऐसे रिसोर्स जिनका सर्वे और क्वालिटी और क्वांटिटी से हम अवेयरनेस है। मान लीजिए कोई रीजन है इंडिया का और उसमें हमने उसका सर्वे किया और उसका क्वालिटी और क्वांटिटी हमें उसकी से अवेयरनेस हो गई, लेकिन उसका अब एक लार्ज स्केल के ऊपर हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो रिसोर्स है ये रिसोर्स आपके डेवलपमेंट रिसोर्स आएंगे। जैसे पेट्रोलियम से हमारे कुछ पेट्रोलियम के जो भंडार है वे हमारे डेवलपमेंट रिसोर्स के बनाएंगे, जिनकी हमें क्वालिटी, जैसे राजस्थान, जो वेस्टर्न राजस्थान है, बाड़मेर जैसलमेर, वहां पर हमारे पेट्रोलियम से भंडार है जहां पर हमने सर्वे किया है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हमको मालूम है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स है वे सेकंड है स्टॉक रिसोर्स में होता है एक तरह से भंडारण के लिए स्टॉक रिसोर्स दीज आर रिसोर्स रिप्रेजेंटेड टू द वी हैव नॉट एप्रोप्रिएट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे रिसोर्स जिनके पास हमारे पास अभी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यानी कि एक तकनीकी नहीं है, एप्रोप्रिएट तकनीकी नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि फ्यूचर में इसकी हमें बहुत ही नीड है, बड़ी उसकी आवश्यकता है और हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन हम उस पर यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वाटर है, हमारा जो पानी है, वाटर इज द टू कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। जैसे माने पानी है, पानी दो एक एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को अगर हम क्रिया कराते हैं उसकी, तो उससे जल बनता है और पानी की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि पानी जो वाटर लेवल है बहुत ही डाउन हो रहा है और पानी को बचाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का अभाव है, टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, तकनीकी नहीं है कि हम उसको इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को से हम वाटर का एक लार्ज स्केल के ऊपर हम प्रोडक्शन कर सकें, ऐसे हमारे पास नहीं। नेक्स्ट है जैसे रिजर्व भी स्टॉक का ही एक पार्ट है। रिजर्व आल्सो द पार्ट ऑफ द स्टॉक रिसोर्स। रिजर्व का मतलब है एक तरह से संरक्षण करना, उसका एक भंडारण के सहे उसको भंडारण करना, संरक्षण करना कि भविष्य में उसको काम आ सके। रिजर्व फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, द राजस्थान एंड देयर इज फुलफिल ऑफ द सोलर एनर्जी बट वी कैन नॉट यूज ऑफ द प्रॉपर वे। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत का जो वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया है, जैसे राजस्थान और गुजरात है, वहां पर सोलर सिस्टम है, उसका हम यूज नहीं करें। साथ में रिजर्व रिसोर्स होते हैं, ये पोटेंशियल का रिजर्व होता है। रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण की। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया से और हमारा प्लेन वाला क्षेत्र में देयर आर द ब्लोइंग ऑफ द मेनी रिवर्स, हमारी बहुत सी जो नदियां हैं वे ब्लोइंग कर रही है, पानी है हमारे पास में, तो अगर उस पानी को हम एक लार्ज स्केल के ऊपर उसका यूटिलाइजेशन करें और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करें, किसको, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक जो पावर्स है जिसको हम कहते हैं जल विद्युत,
तो निश्चित रूप से एक लार्ज स्केल के ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर पाएंगे, और लार्ज स्केल पर जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर पाएंगे तो हमारे जो फ्यूचर में जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए, जनरेशन के लिए ये यूजफुल होगा। लेकिन इसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक जो पावर्स है उसका लार्ज स्केल के ऊपर यूज नहीं हो रहा, उसका यूज नहीं हो रहा। अभी केवल हम उसको एक स्मॉल स्केल के ऊपर उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें आता नहीं जा रहा। पोटेंशियल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, पोटेंशियल यानी कि हमारे पास में इतनी पोटेंशियल है, इतनी पावर्स है, इतनी शक्ति है, लेकिन उसका हम एक लार्ज स्केल के ऊपर उसका यूज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड द गुजरात एंड राजस्थान द मोर पोटेंशियल ऑफ द विंड्स एंड द सोलर सिस्टम बट वी हैव नॉट यूज ऑन द लार्ज स्केल। अगर हम देखते हैं कि भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है, भारत का जो पश्चिमी जो भाग है जैसे राजस्थान और गुजरात, वहां पर विंड्स यानी जो तेजी से हवा चलते है, क्यों? तो आगे नेचुरल जो वेजिटेशन है वहां नहीं है, इतना बहुत ही कम है, तो विंड जो है स्पीडली ब्लाइंड होती है। तो अगर उस विंड्स को और साथ में वहां पर जो सोलर सिस्टम है, जो टेम्परेचर है बहुत हाई होता है, अगर उसका हम यूज करें, विंड्स और सोलर एनर्जी के ऊपर यूज करें, तो निश्चित रूप से हम भविष्य में हम एक अधिक एनर्जी को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पोटेंशियल। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स। आज हमने जो हमारा जो टॉपिक हमने जो डिस्कशन किया कि आवर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स, या वी कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स। तो रिसोर्स के 4 टाइप्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में 2 टाइप्स थे, बायोटिक और अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। इसमें 4 टाइप्स थे, जैसे इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। और जो 4 टाइप्स था वे था ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस एंड डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस एंड डेवलपमेंट में भी इसके 4 सब टाइप्स है, जैसे पोटेंशियल है, डेवलपमेंट है, स्टॉक और रिजर्व। ये इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक था। इसको आप स्टडी करना इसको, और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। ओके।